मैडम कैसे देख रहे हैं एनडीए अभी आगे चल रही है, क्या लग रहा है? देखिए एनडीए आगे जब चलती जब वो 400 पार लेके आती, हम तो उसको जब समझते कि जब वो 400 पार का आंकड़ा पार करती। आज जो मैंडेट जनता का मिला है वो सीधा सीधा जो है भाजपा के मुंह पे तमाचा है, बहुत करारा तमाचा। इन्होंने कही, इन्होंने जो है संविधान बदलने की बात करी, इन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की बात करी, ये अग्निवीर जैसी एक योजना लेके आई जिसमें युवाओं का भविष्य पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जैसे जो हजारों लोगों हजारों महिलाओं का रेपेस था उसके साथ ये मंच शेयर कर रहे थे। तो इन सब बातों का जवाब जो है वो जनता ने भाजपा को दिया है। और ये जो मैंडेट जिसके आप बात कर रहे हैं ना कि सरकार बनाएंगे और ये करेंगे, देखिए इस तरह से अगर अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता होती तो मोदी जी ने अब तक इस्तीफा दे दिया होता, क्योंकि ये जनता का पूछ रहे हैं कि भैया जो बहुमत में हम हैं, अल्पमत में इनका गठबंधन है, फिर भी ये खुश हो रहे हैं। देखिए हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि अमित शाह जी जो है पूरे प्रेस करके ये बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन तो 40 पार भी नहीं करेगा, और कितना किया इंडिया गठबंधन ने। आज ये लोग इनके चेहरे उतरे हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे, इनको बोलने को कुछ मिल नहीं रहा कि ये बोले तो बोले क्या। ये जो हमें 40 पार बोल रहे थे, आज हमने पूरा अपना जो हमने दावे किए थे हमने उन वो आंकड़े छुए हैं, उन आंकड़ों को हमने टच किया है, और पूरे देश की जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आज सीधा सीधा हमारा संदेश भाजपा को ये है कि अगर आप संविधान बदलने की बात करोगे तो हिम्मत भी मत करना संविधान बदलने की, क्योंकि देश की जनता आपको सबक सिखा जानती है और आपको सबक सिखा के दिखाया है। और जनता तो हमें तीसरी बार मौका दे दिया है। देखिए अभी तो समय है, अभी तो देखिए आप किसको मौका दिया किसको नहीं दिया मौका। ये राजनीति है, यहाँ पर कब जो है क्या गेम पलट जाए किसी को नहीं पता। तो ये जो है ये भी आप वेट करिए, कौन किसकी सरकार बनेगी वो तो आपको कल चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भव्य आयोजन हुआ, बावजूद इसके अयोध्या का हार जाना कैसे देख रहे हैं मैडम? देखिए ये राम के व्यापारी हैं, राम के पुजारी नहीं हैं। इन्होंने राम का नाम जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर ये राम के नाम पे इनकी सच्ची भक्ति होती, इनकी आस्था होती, तो ये राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगते। हमने कभी राम के नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने आज तक जो है हमने धर्म का उपयोग नहीं किया राजनीति के लिए। इन्होंने लगातार पूरे जब से चुनाव का वो चला हर चुनाव में इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया और धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया और धर्म के नाम पर वोट लेने का इन्होंने काम किया और जनता को ये समझ में आ गया और जनता ने इनको जवाब दिया बहुत अच्छा। अमेठी की चर्चा बहुत ज़्यादा है कि स्मृति ईरानी हार गई। अब देखिए मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे कि बोलते हैं, अब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो इनकी भैंस ले जाएगी, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ तो क्या लगता है मतलब गठबंधन किसका ये जोड़ तोड़ कर पाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, क्योंकि देश ने तो बता दिया कि भैया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए कौन बना पाएगा? देखिए मैं इस बात मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये चीज़ जो भाजपा के जो घटक दल है वो भाजपा से खुश नहीं, क्योंकि मोदी जी की तानाशाही हर जगह देखने को मिली, चाहे उनके रोड शोज हों, चाहे उनकी रैलीज हों, चाहे वो हो। और ये कोई देश तानाशाहों का देश थोड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और घटक दलों को पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको समर्थन दे, और ये समय बताएगा कि किसको समर्थन देते हैं। लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो चाहे जेडीयू के हों चाहे एलजेपी के हों, तो कह रहे हैं भैया हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, ये समय बताएगा, ये वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ। कौन से मुद्दे हावी है इस चुनाव में क्या लगता है? देखिए इस चुनाव में जनता के मुद्दे हावी रहे, इस चुनाव में मांस मछली मुजरा मंगलसूत्र पूरी तरह से फेल हो गए, इस चुनाव में हिंदू मुसलमान घुसपैठिया पूरी तरह से फेल हो गया, इस चुनाव में जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार का को जो है ग्लोरीफाई किया गया, प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को लेकर आप जो है स्टेज शेयर कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने जो है संसद में बैठा रखा है, वो पूरी तरह से जनता को दिखाई दिया और जनता ने उसका पूरा करारा जवाब। फिर भी 240 प्लस सीटें लाए हैं। देखिए बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी तो अभी बनी है। देखिए सीबीआई ईडी इलेक्शन कमीशन तमाम संस्थाएं सरकारी संस्थाएं उसका इस्तेमाल
तमाम मीडिया का इस्तेमाल और सालों से हजारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करना, उसके बाद भी केवल 240, ये तो बहुत नाइंसाफी। हमें तो तरस आ रहा है बीजेपी पर कि इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तमाम संस्थाओं को डरा दिया, तमाम ऑफिसर्स को, डीएम को खुद कॉल किए गए, उसके बावजूद भी 240 लेके आ रहे। भैया ये शर्म की बात है। तो किसका कमाल मान रही है, यात्रा का कमाल मान रही है या फिर जो अलायंस हुआ है उससे सीटें बढ़ी? देखिए ये दोनों ही फैक्टर इसमें है कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और मणिपुर से लेकर मुंबई तक चले, मुझ हर जनता जनता से मिले। मैं खुद थी भारत जोड़ो यात्रा में, मैंने उनको खुद देखा कि धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी वेदर हो, उन्होंने बिल्कुल वो चलते रहे और तमाम वो भारत की जनता से मिले, भारत की जनता के मुद्दे समझे और भारत की जनता उन्हें दिल से प्यार करती। जब राहुल गांधी चले, छवि बनाई गई थी, क्या लगता है उस पर जनता ने नकार दिया? देखिए इन्होंने लाखों करोड़ रुपया खर्च करा छवि बनाने के लिए, तमाम मीडिया को कैप्चर किया, क्या हुआ? जनता को सच्चाई पता है कि वो राहुल गांधी कौन है, और राहुल गांधी जिसको शहजादा बोलते हैं वो शहजादा ही था, लेकिन उसने ज़मीन पर जुड़कर एक ज़मीन का जननायक बनने का काम किया, जो शहजादा से जननायक बनने का काम किया। ये जननायक से उठ के आए और ये कहाँ किस गर्त में चले गए, इनका कुछ नहीं पता। एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर सभी के मन में यही चल रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर बनाती है सरकार तो चेहरा कौन होगा? देखिए ये तो इंडिया अलायंस जो है पूरा वो मीटिंग होगी उसमें तय होगा, ये चीज़ हम जो है यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो पूरा सबकी सलाह से जो होगा वो चेहरा होगा।